उन्नाव के चर्चित कांड के विरोध में मुरादाबाद के कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट परिसर में एक दिवसीय उपवास पर धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे कांग्रेसियों ने मांग की है कि पीड़ित परिवार को पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया कराई जाए और पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए व मृतक के परिवार को 50 लाख का मुआवजा व परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। जिला अध्यक्ष एपी सिंह का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार के लोग ही ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और सरकार में बढ़ती अपराधों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लूट हत्या जैसे अपराध तो प्रदेश में आम बात हो चुकी है। इस कमेटी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर एक दिवसीय उपवास का कार्यक्रम उन्नाव पीड़िता के लिए हम लोग कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक द्वारा उसका शारीरिक शोषण किया गया, इसके बाद उसके पिता को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया, इसके बाद उसके चाचा को षड्यंत्र के तहत फांस करके उसको जेल में डाल दिया गया है, और जब परसों वो अपनी चाची और मौसी के साथ वकील के साथ वहाँ पर मिलाई करने के लिए गई तो वापस लौटते समय उसका प्रायोजित ऐसा एक्सीडेंट कराया गया जिस ट्रक पर के नंबर प्लेट पर काली कुटी हुई है। पूरे हिंदुस्तान को जानकारी है कि ये बहुत सेंसिटिव मैटर है, उससे पुलिस प्रोटेक्शन किस लिए हटा लिया गया, और इसके बाद वो आज अपनी जिंदगी और मौत के बीच में आखिरी जंग लड़ रही है। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है वो जिस हालत में है अगर बच जाती है तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि उसके मतलब इतनी ज़्यादा इंजर्ड है वो कि उसके बचने के चांस बहुत कम से लग रहे हैं। कारण उसका ये है कि इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, उसकी मौसी और उसकी चाची की स्पॉट पे डेथ हो गई है, ये वकील कोमा में है, वो खुद कोमा में है। तो इस तरीके से सरकार के विधायक को बचाने के उसके डायरेक्शन पर अगर मतलब जो है लॉ एंड ऑर्डर चौपट है, मुख्यमंत्री महोदय का कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, केवल ये है कि कार्रवाई हो रही है, केवल कार्रवाई कहने से नहीं दिखनी भी चाहिए। पूरा देश जो है उसके साथ खड़ा है, कांग्रेस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से लेकर के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी टोटल उसके परिवार के साथ है, और हम लोग मांग करते हैं कि पहले उसको उस विधायक को जो उसमें इन्वॉल्व है उसे तत्काल उत्तर प्रदेश से बाहर किसी सेंट्रल जेल में भेजा जाए, उसे यहाँ से स्थानांतरित कर दिया जाए, जिससे कम जो लोकल स्तर पर उसका गैंग बना हुआ है उसको तोड़ा जा सके।